वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाक्सी बिजनेस एक्शन में सबका स्वागत है, मैं हूं कोमल याशिन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं उससे पहले आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियोस जाकर जरूर देखो, उसमें हमने जबरदस्त रिएक्शन दिया है। आज जिस वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो शेर से है, इसी से रिलेटेड आई थिंक सो, कोई पेट्रियोटिज्म टाइप की जो ट्रिब्यूट टू हीरोज है, इस तरह की मूवी भुज थी जो हमने पहले की है, उसका भी ट्रेलर जाकर देखो। तो देख लेते हैं कौन सी है, क्या है इसमें, और सिद्धार्थ मल्होत्रा लग रहे हैं इसमें और कियारा आडवाणी लिखा हुआ है, जो लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट धर्मा प्रोडक्शन, जंगों की बड़ी बना रहे हैं मूवीज। भारत माता की जय। At 60,000 feet, our brave soldiers defeated the enemy. My code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. Led one of the toughest operations in my company's success in the world. Ye dil mange more. Ye dil mange more. Let's loot. Vikram Batra. The bravery of our soldiers. Oh, bade achhe baat lag rahe hai. Siddharth Malhotra. अगस्त 12 यार वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी और यार बड़ी हैवी मूवीज़ यार अब आ रही हैं। इंडिपेंडेंस डे पे पहले हमने जो देखी वो 1971 वॉर वाली वो भी थी, अब कारगिल वॉर वाली थी। याद है हमने जो कारगिल वॉर पे एक मूवी की थी, वीडियो की थी 18 मिनट वाली, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर खुद बता रहे होते हैं कारगिल वॉर में क्या हुआ, हम हाइट पे थे तो वो जाना मुश्किल था। मेरे ख्याल से ये वो 16,000 फीट नहीं देखी थी तुमने शायद, नहीं देखी थी हमने, की थी हमने, की थी 18 मिनट वाली वीडियो भी याद है, डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो थी। अच्छा शायद डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो थी तो हमने वो की थी। तो ये मेरे ख्याल से उसी पे है, कारगिल वॉर पे है और पूरा उसमें बताएंगे। और एक सोल्जर को मुझे लगता है ट्रिब्यूट भी है, विक्रम बत्रा जो वो बना हुआ था, और वो उनका सीन, उनका सीन भी है बीच में, वो जो सोल्जर है ना ये वाले इनका सीन भी है। मुझे लगता है इनको ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने मूवी बनाई है। और भुज मूवी भी 1971 तो जंगों पे बड़ी मूवीज आ रही हैं भाई जान, जंगों पे बड़ी मूवीज आ रही हैं और मतलब के हम देखी जा रहे हैं सारी जंगे तो हमारे खिलाफ थी तो हम देख रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। ट्रेलर अच्छा था, छोटा सा था, मतलब जितना समझ आई उतना तो मतलब अच्छा लगा। मुझे लगता है ये अभी डेट अनाउंस, सिर्फ डेट अनाउंस किया और थोड़ा पोस्टर नहीं होता, टीजर टाइप होता है, टीजर टाइप था, ट्रेलर अभी आएगा मुझे लगता है। और बीच में सिद्धार्थ में होता है कियारा आडवाणी तो है ही नहीं, कियारा आडवाणी मुझे बड़ी पसंद है, कियारा आडवाणी तो है ही नहीं बीच में आती तो मुझे देखता उसके सीन क्या। तो ये है सारा मूवी और अब मुझे लगता है कि जो मूवीज लव स्टोरी, ट्रेडिशनल लव स्टोरी मूवीज होती थी ना, अब वो कम कर दी है, कम कर दी है अब थोड़ा, मुझे लगता है इस साइड पे पेट्रियोटिज्म के साइड पे लेके जा रहे हैं कि वो अपने हीरोज को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, बायोपिक्स बन रही हैं। और याद है कुछ कुछ प्लेयर्स की भी बायोपिक बन रही हैं, साइना नेहवाल जो वो बैडमिंटन प्लेयर है उसकी भी रिसेंटली बनी है जिसमें परिणीति चोपड़ा ने रोल प्ले किया है वो है। और उसके बाद एक और दो तीन जो है वो बनी है, दो पागे मेरे पे, वो और दो तीन जो है वो बायोपिक्स बनी है।
तो अब मुझे लगता है फोकस इसी पे है कि वो पहले हिस्ट्री को जो है ना वो ओरिजिनल फॉर्म में ला रहे हैं, ट्रू इवेंट्स को कवर कर रहे हैं मूवीज में, थोड़ा कर रहे हैं ना, पहले तो जरा लव स्टोरी, लव स्टोरीज के अंदर ही फंसा हुआ था वो शाहरुख खान डीडीएलजे वगैरह इस टाइप की जरा सीन था। लेकिन अब महाभारत, एक अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि वो महाभारत भी बन रही जिसमें आमिर खान है, आमिर खान है और ऋतिक रोशन उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, कर्ण के नाम से है वो। अब मैं देखूंगी महाभारत, मुझे एम्बल के बनाए हैं एक मूवी ना जिसमें ड्रामा नहीं देखा जाता क्योंकि बहुत लंबा होता है, मतलब बीच में हो जाता है कि छोड़ देता है, एक कोई मूवी ऐसी बना दें जिसमें पूरी स्टोरी बता दें, महाभारत अभी रिसेंटली आ रही है। तो ये मतलब कि अब हिस्ट्री के इवेंट्स को कवर कर रही है मोस्टली मूवीज। तो बाकी हम देख लेते हैं आगे और कौन सी मूवी आती है उसके ट्रेलर पे, आप लोग जरूर हमें सजेस्ट करना, हम जरूर एक्ट करेंगे। मिलते हैं 1 2 3।